बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यहाँ वक्त हो चला है 3 बजे की, 3 बड़ी खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहाँ किसान मजदूर संघ पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें बंगाल लोकसभा सीट से 42 की 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके साथ ही पार्टी की पहली सूची जारी हुई, मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी भी दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और कई जिलों में और कई राज्यों में भी उतारे जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, प्रेसवार्ता की गई है इसको लेकर, और अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं प्रत्याशी वो भी यहाँ पे हैं। तो आइए कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं किस तरह की इनकी रणनीति रहने वाली लोकसभा चुनाव में। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है आज जो बैठक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कोर कमेटी की बैठक की गई, उसमें हमारे जो है दिल्ली और हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से हमारे पदाधिकारी जो है राजधानी में पहुंचे। और पहली सूची हमने पश्चिम बंगाल की जारी की है, 42 लोगों की, 42 में 4200 की प्रत्याशियों की सूची हमने पहली जारी कर दी है। जैसे कि देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के रणनीति तैयार हो चुकी है, तो आप लोग के मुद्दे क्या रहने वाले, मेन मुद्दे क्या रहने वाले? किसान मजदूर पहले से परेशान है भाई, आज तक उसके साथ किसी पार्टी ने, आज देखिए पहले कांग्रेस थी उसने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया, जो है नरेंद्र मोदी जी बीजेपी आई उनके साथ सिर्फ लालीपाप देते रहे, आज तक उनके साथ किसी ने न्याय करने का सोचा भी नहीं भाई। जो मजदूरी 300 है, कम से कम 12 घंटा उनसे काम लिया जाता है, उसके अनुसार उनको मजदूरी नहीं दी जाती है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में इतनी आग लगी पड़ी है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, तो इसलिए यही सारे मुद्दे रहेंगे। मुद्दा कहीं अलग से तो लाया नहीं जाएगा, यही सारे मुद्दे उन्हीं को लेके। और आपको बता दें, हॉस्पिटल जो 5 लाख बनाया गया उस पर भी किसानों और मजदूरों या कोई भी व्यक्ति उसको सही ढंग से उसका इलाज नहीं करवाया जा रहा, तो यही सारे मुद्दे हमारी पार्टी भी लेके चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इसके साथ ही रुक करते हैं दूसरी और सबसे जरूरी खबर पर। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं और इसमें उनका साथ दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं, जहां दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हुए हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं प्रयासों के कारण देश के अंदर एक लचर बनी हुई है। इसके साथ ही वहीं दीक्षांत समारोह परेड में संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा पिछले 7 वर्षों में देश में कोई दंगा नहीं हुआ। इसके साथ ही आगे और क्या कुछ कहा सुनिए। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार ने पुलिस रिफॉर्म और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7 वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल में हमने 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो साथ ही 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रोन्नति भी प्रदान की है। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा पिछले 7 वर्ष के अंदर किए गए बेहतरीन कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित करने में और अपना परसेप्शन दुनिया, देश और दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने में सफल हुआ है।
पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है, सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रबंध भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं प्रयासों के कारण देश के अंदर एक नजीर बनी है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश विदेश में प्रदेश के बारे में धारणा बदली है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में, बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है, जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रखकर के बनाए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसके साथ ही रुक करते हैं तीसरी खबर पर, जो कि इससे भी ज्यादा अहम बताई जाती है। बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो जोरों पर हैं, लेकिन उन पर जल्द ही विराम भी लग जाएगा। बता दें, चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर रहा है। इसी क्रम में आपको ये भी बताते हैं कि जनता को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित भी किया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस दौरान कि आज 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है और अब से कुछ ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। विपक्ष को दहाड़ते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश ने घोषणा कर दी है कि अब की बार 400 पार। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव के दौरान मैं यहां आया था, तब मैंने देखा कि जनता के दिल और दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना गुस्सा था और उसका नतीजा भी हमने देखा कि बीआरएस का क्या हाल हुआ है। अब तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर वापस लाने का फैसला सुना दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है, क्योंकि यह एनडीए और मोदी की प्राथमिकता रही है। इन 10 वर्षों में हमने देखा है कि कैसे तेलंगाना
चक्की के दो हिस्सों में पिसता रहा है, जिसमें एक हिस्सा कांग्रेस का और दूसरा हिस्सा बीआरएस का था। जिसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर के तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है और अब तो मुश्किल ये है कि यहाँ कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और कांग्रेस की बुरी नजर, फिर कांग्रेस के लिए पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 वर्ष भी बहुत है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब की जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर केवल इस्तेमाल किया है। बदलाव तब आया है जब देश ने मोदी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि बदलाव की एक गारंटी है और वो है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। तेलंगाना कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारालु। आज देश में जो अभी मैंने टीवी पे देखा, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। टीवी वाले बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ तेलंगाना के जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमने दिन रात काम किया है। हमने तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। ये मैं पूरे देश की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं हमारे तेलंगाना की बात बता रहा हूं। तेलंगाना के 1,50,000 से ज्यादा लोगों का बीमा किया गया है और वो भी सिर्फ 20 रुपये सालाना के प्रीमियम पर, यानी एक चाय की कीमत से भी कम। तेलंगाना के 67 लाख से ज्यादा छोटे उद्यमियों को मुद्रा लोन का लाभ मिला है। तेलंगाना के 80 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिला है। यहां के परिश्रमी मादीगा समुदाय को सशक्त बनाने के प्रयास भी हमने शुरू किए। ये प्रयास जारी रहेंगे और ये भी मोदी की गारंटी है। अभी जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए, और उस समय भी मैं यहां आया था और उस समय मैंने देखा था कि जनता के दिल में, जनता के दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा था, इतना गुस्सा था,
और उसका नतीजा भी हमने देखा, बीआरएस का क्या हाल हुआ। अब कल मैंने देखा और आज यहां भी देख रहा हूं, तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार सेवन डेकेड देश को झूठ और लूट के सिवा कुछ नहीं दिया। वो तेलंगाना का विकास कभी भी नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इस समाज के हालात सुधरे क्या? बदलाव तब आया जब देश ने मोदी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया और मोदी को आपकी सेवा करने का मौका दिया। क्योंकि बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में पहली बार गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट खुले, पहली बार करोड़ों गरीबों को पक्के मकान का सुख मिला, पहली बार गरीब को टॉयलेट, नल से जल, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त वैक्सीनेशन, ऐसी अनेक सुविधाएं गरीब के घर तक पहुंची। पहली बार लाखों गांवों ने रात में बिजली का उजाला देखा। इसी बदलाव का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। साथियों, तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की, मोदी की प्राथमिकता रहा है। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के दो पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है
जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे, कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। जब यहां ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद चुन करके आएंगे तो कांग्रेस को भी अपनी मनमानी करने में बहुत मुश्किल होगा। मोदी को आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है और न ही मोदी को कुर्सी पर बैठ करके सत्ता सुख भोगना है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। तेलंगाना।